इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन लोग आपको अंधविश्वास के चंगुल में फंसा ही लेते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण न जाने कितने परिवार तबाह हो गए। आज की यह कहानी ऐसे ही अंधविश्वास की है जिसने गुजरात के रहने वाले जयेश भाई के परिवार को वो दिन दिखाए जो वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। आपके बेटे पे किसी डाकण का साया है, मेरी मानो तो इसे बंगाल लेकर चले जाओ, वहीं होता है इस तरह के काले जादू का असली उपाय। अरे जयेश भाई, करोड़ों की संपत्ति है और एक ही औलाद, कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब बेटा ही नहीं रहेगा तो करोड़ों रुपए का अचार डालोगे क्या? जयेश भाई और उनकी पत्नी विमला लोगों की बातें सुनते और अपने बेटे को बेचैन ही दर्द में तड़पता देखते। सुमित लगभग 7 से 8 सालों से बिस्तर से नहीं उठा था। वो कुछ बोलता भी नहीं था, बस पलकें झपकाए ही सब कुछ देखता रहता। जवान बेटा, उस पर बीमारी की ऐसी मार कि जयेश भाई के घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। बड़े से बड़े अस्पताल में सुमित का इलाज करा के देख लिया, पर हमारा सुमित ठीक ही नहीं होता। यहाँ तक कि हाकिम, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, इन सबके चक्कर में लाखों रुपए भी दान कर दिए, पर सुमित की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया। आधी रात को शमशान घाट जाना, कच्चा मांस कौओं को खिलाना, पीपल के पेड़ में 13 अमावस पानी देना, कितना कुछ तो करके देख लिया। और अब आप लोग बंगाल जाने की बात करते हैं, भला ऐसा क्या है वहां जो पूरे भारत में कहीं नहीं है? जयेश भाई के इस सवाल पर सब लोग शांत हो गए कि तभी जयेश भाई की पत्नी विमला ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, चलकर देख लेते हैं एक बार, क्या पता दवा ना सही, कोई दुआ ही हमारे बेटे को ठीक कर दे। एक माँ का दिल अभी भी ये उम्मीद लगाए था कि किसी तरह उसका बेटा बस ठीक हो जाए। विमला की बातें सुन जयेश भाई भी अपना मन मार कोलकाता के नीमतला घाट पहुंच गए, जहां इस बात के चर्चे बहुत मशहूर थे कि नीमतला घाट पर काले जादू की मदद से किसी मुर्दे में भी जान फूंकी जा सकती है। जयेश और विमला अभी नीमतला घाट पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि अगघोरी अपनी जीभ पर कपूर जलाकर एक औरत के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वो औरत भी बेजान सी लेटी हुई अघोरी को सामने देख डर रही थी। उस औरत की हड्डियां वकड़ने को हो रही थी, पर जैसे ही अघोरी ने अपने मुंह में चल रही कपूर की एक फूंक उस औरत के मुंह पर मारी, वो बेजान सी औरत एक पल में उठकर बैठ गई। ये देख आसपास मौजूद लोग भी खुशी से झूम उठे। उस अघोरी ने सचमुच जयेश और विमला की आंखों के सामने एक बेजान जिस्म में जान डाल दी थी। अपनी आंखों से चमत्कार होते देख जयेश और विमला की आंखें भी चमक उठी थी। जयेश ने जब आसपास पता किया तो मालूम हुआ कि इस अघोरी का नाम ब्रजलाल है, जो इस तरह की झाड़ फूंक और काले जादू में माहिर है। जयेश अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई भी मौका खाली नहीं जाने देना चाहता था। वो तुरंत अपने बेटे सुमित को अघोरी ब्रजलाल के पास ले गया, पर अघोरी ब्रजलाल ने जब सुमित की हालत देखी तो उसे छूने से भी इनकार कर दिया। जयेश, तेरे बेटे पर किसी डाकड़ का साया है, या सच कहूं तो इसके पास आप गिनती के दिन बचे हुए हैं। मैं भी अब इसे नहीं बचा सकता हूं, जाओ इसे यहां से ले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अघोरी ब्रजलाल की बातें सुन विमला और जयेश उसके पैरों में गिर गए। अघोरी बाबा, ऐसे मत बोलिए, हम लोग बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। विमला और जयेश की बात सुन अघोरी का मन भी पसीज गया। उसने सुमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास एक जिन्नात की आत्मा कैद है, तो मैं उसकी और तेरे बेटे पर जिस डाकन का साया है उसकी लड़ाई करवाऊंगा और तेरे बेटे को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। पर पहले बता दूं, इस विद्या में लाखों का खर्चा होता है, और जयेश, तुम्हें उस जिन्नात की आत्मा को अपने अंदर समाना होगा और तुम्हें अपने बेटे के ऊपर उस डाकन के साई से लड़ना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है जिससे तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है। अघोरी की बात सुन जयेश चौंक गया।
उसने अपने बेटे की जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बहुत सोचने के बाद जयेश और विमला ने हाँ कर दी, जिसे सुना घोरी प्रजलाल ने दोनों को आधी रात के पहर अकेले ही 25 लाख रुपयों के साथ शमशान घाट बुलाया था, जहां घोरी प्रजलाल एक आधी जली चिता में आहुति डालते हुए मंत्र पढ़ रहा था। आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारा बेटा। ये देखो, बड़ी मुश्किल से कुंवारी लड़की की चिता मिली है मुझे। आप बस इस चिता की आग बुझने से पहले ही हमें तुम्हारे बेटे को ठीक करना होगा। और हाँ, वो पैसों से भरा बैग मेरे हवाले कर दो, और जब तक पूजा नहीं हो जाती है, कोई भी मेरी पूजा में विघ्न नहीं डालेगा, वरना। अघोरी ब्रजलाल अभी अपनी बात बोल ही रहा था, तभी जयेश ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बस जल्दी से मेरे अंदर मेरे जिन्नात की आत्मा डालिए, बाकी मैं उस डाकिनी को संभाल लूंगा। ये कहते हुए जयेश पैसों से भरा बैग अघोरी ब्रजलाल को दे देता है। अघोरी ब्रजलाल ने भी पैसे मिलते ही अपने अनुष्ठान का काम शुरू कर दिया। उसने पहले तो जयेश के माथे पर किसी जानवर का खून लगाकर उसे चिता के सामने बैठा दिया, फिर उसके हाथ में खोपड़ी पकड़ाकर उसके चारों तरफ घूमने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। विमला भी कोने में खड़ी ये सब होते देख रही थी और मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि जल्दी उसका पति और उसका बेटा दोनों सही सलामत लौट आए। अघोरी के मंत्रोच्चारण करते ही चिता की आग की लपटें काली हो गई, उसके आसपास काले साए मंडराने लगे जो सुमित के जिस्म के आसपास घूम रहे थे। फिर अगले ही पल अघोरी ब्रजलाल ने चिता से आग का धधकता टुकड़ा उठाकर जयेश की जीभ पर रख तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिया, ताकि जयेश की तड़पने की चीख सुन कोई उसकी पूजा में विघ्न न डाले। फिर तुरंत ही अघोरी ब्रजलाल ने एक छोटी सी बोतल निकालकर जयेश को देते हुए कहा, ले पी जा इसे, इसमें जिन्नात की आत्मा कैद है, इसे पीते ही ये आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी, और फिर तू अपने बेटे के अंदर छिपी है डाकन को भी देख पाएगा और उससे लड़ भी पाएगा। दहकती आग को अपनी जीभ पर रख जयेश की जीभ पूरी तरह से जल चुकी थी। वो इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहा था वो तो सिर्फ वही जानता था, पर अपने बेटे को ठीक करने के लिए जयेश इस दर्द को भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर गया। अघोरी ब्रजलाल के कहे अनुसार जयेश जिन्नात की आत्मा वाली बोतल भी एक घूंट में खत्म कर गया, जो इतनी कड़वी थी मानो जैसे किसी ने उसे खतूरा पीस कर पिला दिया हो। बोतल खत्म होते ही जयेश की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। वाह मेरे जिन्नात, देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा शरीर ढूंढ निकाला है, चल अब खुश हो जा और जल्दी से मेरा काम कर दे। अघोरी ब्रजलाल के कहते ही जयेश जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी में एक अजीब किस्म का दर्द था। विमला ने भी जब जयेश की हंसी सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि उसके पति के अंदर जिन्नात की आत्मा आ गई है और जल्दी उसका बेटा भी ठीक हो जाएगा। वो बेचारी तो आंखें बंद कर बस सबकी सलामती की दुआ करने लगी, पर असल में तो जयेश अपने आपे से बाहर हो चुका था। अघोरी ब्रजलाल ने जयेश के हाथों में खंजर पकड़ाकर उसे अपने बेटे के पास खड़ा कर दिया और जयेश से बोला कि शरीर के अंदर छिपी डाकड़ से बात कर और उसे बोल कि अगर उसने शरीर नहीं छोड़ा तो तू ये शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जयेश ने भी अघोरी ब्रजलाल की बात मान अपने बेटे के पास जाकर उससे अघोरी ब्रजलाल का कहा कहने लगा। इस वक्त जयेश का मुंह धधकते कोयले की वजह से खून से लबालब भर चुका था। जयेश का बेटा सुमित पहले की तरह ही बेजान लेटा हुआ अपने पापा को देख रहा था। अपने पापा को इतना दर्द बर्दाश्त करते देख उसकी आंख से आंसू थम नहीं रहे थे। बोल डाकन, सुमित का शरीर छोड़ती है या नहीं? नहीं तो मैं सुमित का शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बोल जल्दी डाकन, बोल।
जयेश नशे में मदहोश एक खूंखार जानवर बन चुका था। उसे इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो बेजान जिस्म पड़ा है उसका ही खून उसका बेटा सुमित है। जयेश की इतनी बार पूछने पर भी जब सुमित का कोई जवाब नहीं आया तो जयेश ने अपने हाथ में लिए खंजर से अपने बेटे सुमित का जिस्म चीर डाला। ये देख विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखते हुए जयेश के पास ही आ रही थी कि तभी अघोरी ब्रजलाल ने उसे पकड़ते हुए बोला, रुक जा पगली, अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है। मुझे दो और लोगों की बलि देनी थी, अभी तो एक का मरना बाकी है। वैसे तो साल में एक दो बारी ऐसा होता है। अब तुम जैसे अमीर जादे अपने अंधविश्वास के चक्कर में मेरे पास मरने के लिए चले आते हो और बदले में खूब सारे पैसे भी देते हो, कमाल है। इतना क्या कह रहा घोरी विमला को खुद से दूर छटक देता है और जयेश के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। मालिक मुझे माफ कर दो, मैं आपका एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। मैं सुमित के शरीर से उस डाकन को नहीं निकाल पाया मालिक, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरा गुलाम, मेरी अदालत में ये माफी नहीं है, सजा मिलती है, सजा मौत की सजा। तो आप तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है। अघोरी के कहते ही जयेश खुद ब खुद अपने हाथ में पकड़े खंजर को अपनी गर्दन पर रख लेता है और उठ सीधा जलती हुई चिता की तरफ चलने लगता है। विमला भी चीखते हुए अपने पति को यह अनर्थ करने से रोक रही होती है। रुक जाओ सुमित के पापा, ये अनर्थ मत करो, बेटा तो छोड़कर चला गया, हम भी जा रहे हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ सुमित के पापा, होश में आओ। यह घोरी ढोंगी है, पता नहीं इसने आपको क्या पिला दिया है, होश में आइए। मैं कहती हूँ होश में आओ सुमित के पापा। विमला चीख चीख कर जयेश को रोकने की नाकाम कोशिश करती रहती है पर जयेश ने विमला की एक नहीं सुनी और चिता के पास पहुंचकर एक झटके में जयेश ने अपना सर अपने धड़ से अलग कर दिया और घुटनों के बल चिता पर ही जा गिरा। पहले बेटा फिर पति, एक रात में विमला ने अपना पसा पसाया घर तबाह कर लिया था। कहते हैं उस हादसे के बाद विमला पागल हो गई और आज भी वो उसी नीमतला घाट पर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है। लेकिन इस घटना ने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काले जादू या झाड़ फूंक के नाम पर अंधविश्वास होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है, और इस तरह अंधविश्वास के नाम पर कब तक निर्दोष लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।